हे गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मूवी कलेक्शन में। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास ऑफ 83 का 6 डे का कलेक्शन। इस मूवी का क्या बजट था और क्या ये मूवी हिट रही या फ्लॉप। अभी तक आपने हिंदी मूवी कलेक्शन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम इस चैनल पर आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रेलर रिव्यू करते हैं। बात की जाए गाइस इस मूवी के बजट की तो 32 करोड़ रुपये था और 32 करोड़ रुपये में इस मूवी को शानदार बनाया गया। इस मूवी में रीड और एक्टर बॉबी देओल सर थे। बॉबी सर की इस मूवी में हर कोई तारीफ कर रहा है, इसलिए इस मूवी को रिव्यू दिया गया 3.5 स्टार। अब गाइस इस मूवी के कलेक्शन की बात की जाए तो ओपनिंग डे इस मूवी ने 9 करोड़ 24 लाख रुपए कमाए। दूसरे दिन था शनिवार के दिन गाइस इस मूवी के ग्रोथ में वृद्धि हुई और इस मूवी ने 10 करोड़ 20 लाख रुपये कमाए। अब तीसरे दिन की बात की जाए तो तीसरे दिन था संडे और संडे के दिन क्रिटिक्स और पब्लिक ने इस मूवी को भरपूर प्यार दिया और इस मूवी ने 13 करोड़ 50 लाख रुपए कमा लिए। फोर्थ डे था मंडे। मंडे को गाइस बड़े बड़े लोग ये कह रहे थे कि मंडे के दिन ये मूवी बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, ये मूवी जीरो हो जाएगी, लेकिन क्लास ऑफ 83 ने सबको गलत साबित करते हुए मंडे के दिन 8 करोड़ 94 लाख रुपये का कलेक्शन किया। गाइस अब बात की जाए फिफ्थ डे की तो फिफ्थ डे इस मूवी ने 8 करोड़ 68 लाख रुपये कलेक्शन किया। सिक्स डे इस मूवी ने 6 करोड़ 55 लाख रुपए कलेक्शन किया। इस तरह इस मूवी ने टोटल कलेक्शन 18 करोड़ 54 लाख रुपए करते हुए सुपर हिट हो गई OTT प्लेटफॉर्म पर। गाइज आपने क्लास ऑफ 83 मूवी देखी तो आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और गाइज आश्रम मूवी आ रही है बॉबी देओल सर की, क्या आश्रम मूवी क्लास ऑफ 83 का रिकॉर्ड तोड़कर इससे ज़्यादा कलेक्शन करेगी या नहीं, तो ज़रूर देना गाइस कमेंट बॉक्स में अपनी राय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद।